खबर फिरोजाबाद से। फूफा भतीजे का रिश्ता फिर से हुआ शर्मसार। आरोपी फूफा ने खाकी का नहीं रखा सम्मान। सिपाही फूफा ने साले की 17 वर्षीय पुत्री को बनाया अपना हवस का शिकार। लगभग 1.5 माह पूर्व फूफा पत्नी की तबीयत ठीक न होने का साथ ले गया था किशोरी को। काफी दिनों तक नशा देकर करता रहा दुष्कर्म। उसके बाद किशोरी हो गई गर्भवती। किशोरी ने न्याय पाने के लिए जनपद न्यायालय का खटखटाया दरवाजा। 15 दिन पूर्व न्यायालय ने थाना मठसेना में मुकदमा दर्ज करने के दिए थे आदेश। अभी तक थाना मठसेना नहीं हुई है दर्ज FIR। वो मुझे कह गया था कि तेरी बुआ की तू चल, मतलब रोटी वोटी बनाने की परेशानी है तो मुझे ले गया था। मेरे घर पे कोई नहीं था, न मम्मी न पापा, तो मैं गई। ये है 28 तारीख। हाँ, जब मैं गई तो मेरे गांव के बाहर से ले गया, बाहर से ले गया। तो मैं जब गई तो वहां से मैंने तो कह रहा था कि बुआ हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से अच्छा, जब 2 दिन हो गया तो मैं मतलब वहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे गोली वोली खवा देता था नशे की, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ, क्या रह रही हूँ, मतलब। और मेरे साथ गलत काम किया उसने, हाँ, जबरदस्ती से, मेरे बिना राजी बाजी से। मैं इस समय एक महीना प्रेग्नेंट भी हूँ, 1 महीना हो गया। फिर मुझे वो छोड़ गया 4 बजे भोर में। मुझे नहीं पता क्यों छोड़ गया। कार्रवाई की है वो पुलिस में, इसलिए मठसेना थाना में कोई कार्रवाई, मतलब कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे बेटे के साथ में घटना हुआ है, मेरा नंदोई ले गया था मेरे घर से, बहका फुसला के ले गया था कि तेरी बुआ का तबीयत खराब है, वहाँ रोटी वोटी बनाने की दिक्कत है, तो वहाँ चल के रोटी वोटी बनाना। फिर वहाँ ले जाके इसने बुआ को पूछा, बुआ कहा हॉस्पिटल में है, अब बुआ अभी आएगी 2 दिन बाद। मेरे बेटी के साथ इसने दवा खिला के गैर होश की बलात्कार किया है। हाँ, 17 साल। थाने पे गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हो, तैनात खुद पुलिस में है, इसलिए पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं। तो पुलिस में है? हाँ, वो पुलिस में है। बताइए, आपने यहाँ पर आज आई से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो कोई फिर और कोई बता रही है, न्यायालय में आदेश हुआ है इसका? कोर्ट में, मैं कोर्ट में आई थी, कोर्ट में मैंने वहाँ आदेश किया है, वो जांच पड़ताल हो रहा है, मगर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आदेश कर दिया है मुकदमा लिखने का? हाँ, मुकदमा लिखने का आदेश अभी नहीं लिखा गया है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।